हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन खाना और स्वाद। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट रबड़ी बनाने की रेसिपी। आधा लीटर दूध में आप बिल्कुल गाढ़ी लच्छेदार रबड़ी बना सकते हैं इस वीडियो को फॉलो करके। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा लीटर फुल फैट दूध, ये कच्चा दूध है फ्रेंड्स। आप गाय का, पोके भैंस का या फिर पैकेट का जो भी दूध आपको अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। बस ये रहे कि वो फुल फैट होना चाहिए। तो हमें हाई फ्लेम पर इसको एक उबाल आने देना है। ये देखिए, हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने लग गया था। तब हम एक कलछी की मदद से इसको इस तरह थोड़ा सा हिलाते रहेंगे और 5 मिनट के लिए पहले लो फ्लेम पर इसे ऐसे ही उबलने देंगे। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 टेबल स्पून गेहूँ का आटा। बहुत ही बढ़िया इससे गाढ़ापन, रिचनेस आएगा फ्रेंड्स। और 2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर, अमूल मिल्क पाउडर ये है। आपके पास जो भी मिल्क पाउडर अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को डालकर पहले हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है एक दूसरे के साथ, आटे और दूध के पाउडर का, क्योंकि इसमें अलग अलग सा कुछ मोटा लम्स, टुकड़ा या फिर गांठ नहीं होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स होने चाहिए। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध। आप ये ना सोचे फ्रेंड्स कि आटे से कैसा टेस्ट आएगा, आटे से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। बिल्कुल आपको जो रेस्टोरेंट वाला होता है ना, बिल्कुल वही टेक्सचर आएगा आपके रबड़ी का। एक बार आप इसे बनाकर तो देखें, पहले एक बार बनाकर खा लीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका रबड़ी अच्छा बना था या नहीं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें। तो इस मिक्सर में मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा हुआ थोड़ा सा दूध डाला है। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमें इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि मिल्क पाउडर और आटे को हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि लम्स रह जाएगा तो कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी नहीं होगा। जब हम इसे गरम उबलते हुए दूध में डालेंगे तो ये ऑलरेडी मिक्स हो जाएगा, और अगर थोड़े बहुत लम्स इसमें होते भी हैं तो वही लच्छेदार बनेंगे, वही थोड़ी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी देगी। तो ये देखिए, 5 मिनट तक लो फ्लेम पर मैंने दूध को उबाल लिया था, और थोड़ा थोड़ा बड़े बर्तन में इसे बनाया ताकि इसके साइडों में जब इसका जो क्रीम होता है वो चिपकता है और उसे आप खुरच के इसमें डालेंगे तो और भी बढ़िया सा टेस्ट आता है, मावे जैसा। बिना मावे, बिना कंडेंस मिल्क के हम ये रबड़ी बना रहे हैं, लेकिन ये बाज़ार से बिल्कुल भी कम नहीं होगी, यकीन मानिए फ्रेंड्स। एक बार इसे आप ज़रूर से ट्राई कीजिए पहले। तो अब 5 मिनट दूध को उबलने के बाद इसमें जो हमने बैटर बनाया था आटे, कंडेंस और मिल्क पाउडर का, उसे हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी थोड़ी देर पर हमें इसे कंटिन्यू नहीं चलाना है फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए कलछी रोक दें और उसके बाद फिर से इसमें चलाते रहें। अब मैं इसमें कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी ऑलमोस्टली आपको पता ही होगा कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटीबायोटिक होता है, इससे कलर भी बढ़िया आएगा और टेस्ट बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होगा। आप ये ना सोचें कि बिना इसमें केसर डालोगे तभी इसका टेस्ट बढ़िया आएगा, कलर बढ़िया आएगा। केसर इतना महंगा है कि हर इंसान को वो अवेलेबल नहीं होता है। तो बिना केसर के भी आप इसे बना सकते हैं। शादियों में ऐसा थोड़ी होता है, जो आप दावतों में या होटलों में खाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें केसर ही डला हो। उसमें कलर के लिए हल्दी पाउडर का यूज़ किया जाता है। इससे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आया है। अब इसमें हम डाल देंगे, कंसिस्टेंसी भी आप देख लेंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर और खुशबू के लिए, और थोड़ी थोड़ी देर पर मैंने आपसे कहा ना इसके कंटिन्यू हमें नहीं चलाना है, थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक कर चलाना है। तो अब इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून चीनी, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। 3 चम्मच से ज़्यादा आप चीनी का यूज़ ना करें, वरना ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा और रबड़ी ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती।
तो आप देखें कंसिस्टेंसी और इसकी रिचनेस आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी आई है। हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है फ्रेंड्स, बस जब आपको इस तरह की कंसिस्टेंसी देखने लगे तब आप समझ जाएं कि आपकी रबड़ी तैयार है। और अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा काजू लिया है, थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा पिस्ता इसमें डाला है, और इन सारी चीज़ों को डालकर हमें मिक्स कर देना है। तो ये देखिए, अभी मैंने सारे इस दरमियान मैंने फ्लेम को हमेशा लो रखा है फ्रेंड्स, हाई फ्लेम नहीं किया है, क्योंकि आप हाई फ्लेम पर करेंगे तो जो दूध का कंसिस्टेंसी होती है, वो जो दूध का वो क्वांटिटी होता है वो जल जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम आधे लीटर दूध में आधे किलो रबड़ी बना रहे हैं, तो मैं लो फ्लेम पर ही इसे बना रही हूँ। आप देखें बिल्कुल लच्छेदार दानेदार रबड़ी बनकर तैयार है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें फ्रेंड्स, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, अपना ख्याल रखें और हमें कमेंट में याद करना ना भूलें। ये देखिए, ये पहली बाइट आपके लिए, इसके बाद मैं शुरू करूंगी। तो अपना ख्याल रखें फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।